नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। पटना सिटी से एक ऐसी खबर सामने निकल कर आई है जो देखकर और सुनकर आप भी सोच में पड़ जाइएगा और आपकी आंखें नम हो जाएगी। शादी का माहौल था, सारे परिवार घर में मौजूद थी, बेटी की डोली उठने के लिए माँ इंतजार कर रही थी। अचानक माँ की तबीयत बिगड़ती है। तबीयत बिगड़ने के बाद नालंदा मेडिकल कॉलेज में माँ को एडमिट करवाया जाता है। एडमिट करवाने के बाद माँ को एक ही चिंता सताई जा रही थी कि हमारी बेटी की शादी है और शादी में मैं मौजूद नहीं रहूंगी, और यह डर इतना उनके दिल में बैठ गया कि वो अपने जीवन और मौत से संघर्ष करने लगी और बेटी को बुलाया गया। हल्दी लग ही रही थी बेटी को और बेटी अस्पताल पहुंचती है और माँ से मुलाकात करती है। मुलाकात के दरमियान माँ कहती है कि बेटी मेरी आखिरी इच्छा पूरा करोगी, तो बेटी रोती हुई माँ से कहती है कि माँ मैं आपकी हर एक इच्छा पूरा करूंगी। और तब क्या था, माँ ने हाथ में हाथ रखकर वादा करवाई और बेटी उस मंजिल पे चल पड़ी। उसे क्या पता था मेरे घर से डोली उठने से ठीक पहले मेरी माँ की उस घर से अर्थी निकलेगी। इस खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया है और इस खबर के दिखाने के पीछे मेरा यही मकसद है कि एक माँ का वादा बेटी ने पूरा किया, क्योंकि 9 महीना माँ ही अपने गर्भ में बच्चे को रखती है और पालती पोसती है, और उस वादे को बेटी ने निभाया जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। देखिए इस खबर में, किस्मत भी कभी कभी किस मोड़ पे किसको लाकर खड़ा कर दे यह कोई नहीं जानता। 6 महीने पूर्व ब्रजेश और रिया की सगाई परिवार के समक्ष हुई। पूरा माहौल खुशी से भरा हुआ था, लेकिन रिया की मां का अचानक तबीयत खराब हो गया। जाने के बाद उसकी मां जीवन मौत से नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में जूझ रही है। मां की बीमारी और सास की अंतिम इच्छा पूरा करने ब्रजेश रातों रात परिवार के सामने शादी कर दोनों एक दूसरे के हो गए और शंकर वाटिका शिव मंदिर सुई के मस्जिद पहुंचकर ब्राह्मण के समक्ष वैदिक मंत्रों एवं रीति रिवाज से शादी रचाई। माँ और सास के अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए झटपट शादी रचाई और उनके अरमानों को पूरा किया। दोनों परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं इस पूरे कार्यक्रम को परवर्दी समाज पिंकू यादव और अनुराधा देवी ने माँ बाप बनकर पूरा विधि को संपन्न किया। तो आपने देखा कि माँ की इच्छा बेटी ने और दामाद ने पूरा किया, रातों रात चट मंगनी पट विवाह। लेकिन यह 4 दिन पहले की खबर है और माँ की आज मौत हो चुकी है, उसके बाद पूरे परिवार सदमा में है।